और अब एक अहम खबर सवाल के साथ। बांग्लादेश में विद्रोह की आग अब भी जल रही है, लेकिन अब सरकार के खिलाफ ये इस तरह की स्थितियां बन चली हैं। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, कट्टर विद्रोही सुन नहीं रहे, अंतरिम सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्येक नागरिक कर्तव्य टू सी दे माइनॉरिटी जैसे माइनॉरिटी बोली संख्यालघु सम्प्रदाय गाय हाथ जन ना पड़े। हाथ उठा नहीं रहे, हाथ काट रहे हैं, और हाथ ही क्यों, गर्दन काटी जा रही है हिंदुओं की। सरेआम मौत के घाट उतारे जा रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू। कौन सुनेगा इन करोड़ों हिंदुओं की फरियाद। मेजोरिटी जरा आते जरा मेजोरिटी रिलीजन ये तादेर एकांत पवित्र कर्तव्य, अपना जो ना करें মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটা হিসাব আপনাকেও দিতে হবে। রক্ষা কি এস অপিল মে ধোখা হ্যায় ফরেব হ্যায় সাজিশ দেখতি হ্যায়। अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद कट्टरता की हिमायती सरकार के मुंह में राम, बगल में छुरी दिख रही है। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের ভাই আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে মাফ, কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনো যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায় বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ র‍্যাব অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। আমি আমাদের বৃহত্তর সোসাইটিকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের ভাই তারা। কন করেগা বাংলাদেশ মে হিন্দুওঁ কি রক্ষা। बांग्लादेश में जिनके पास सरकार, क्या वो नहीं है जिम्मेदार। अंतरिम सरकार के खोखले दावों पर कौन करेगा भरोसा। बांग्लादेश कैसे बन गया हिंदुओं का कत्लगा। हसीना सरकार को गिराना सिर्फ मकसद नहीं दिख रहा, साजिश के इंतहा दिख रही है। हिंदुओं का कत्लेआम, कितने हिंदू मारे गए, कितने हिंदू जख्मी हुए, कितने हिंदू परिवार घर छोड़ने को विवश हुए, कितने हिंदू बांग्लादेश छोड़ मुल्क के बॉर्डर पर पहुंचे, कोई बही खाता नहीं है। हिंसा में कई मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीब नगर में स्थित यह स्मारक भारत और मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक है। कोई हिसाब नहीं, सड़क पर बीचों बीच, घर में घुसकर, बस में, ट्रेन में, उन्माद में अंधी हो चुकी भीड़ हिंदुओं के खून से हाथ धो रही है। सत्ता में जिनकी भागीदारी है उनके हाथ में ही हिंदुओं की हत्या का हथियार है। उदाहरण देखिए, दोनों तस्वीर अबुल फयाज खालिद हुसैन की है। ये बांग्लादेश में धार्मिक मामलों के मंत्री है, साथ ही ये हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश संगठन का पोस्टर है। इसी संगठन से ये धार्मिक मामले का मंत्री जुड़ा हुआ है। इसके संगठन हिफाजते इस्लामी बांग्लादेश ने जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश से हाथ मिलाया है। अबुल फयाज खालिद हुसैन, जिन्हें धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है, उनके खिलाफ इनपुट के मुताबिक इन्हीं की सरपरस्ती में बांग्लादेश में बढ़ रहा है कट्टरवादी एजेंडा। मंत्री अबुल फयाज हिफाजते इस्लाम संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं। इनका एजेंडा तालिबान की तर्ज पर बांग्लादेश में शरिया स्थापित करने का है। शेख हसीना को बेदखल करने के लिए जो खूनी उपद्रव हुआ उसमें भी ये संगठन शामिल था।
ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मंत्री के जरिए कट्टरपंथी संगठन हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश अपने सदस्यों को जेल से छुड़ाने के फिराक में है। इतना ही नहीं, ये संगठन बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लिस्तान बनाने का प्लान बना चुका है। बांग्लिस्तान को इस एजेंडे ने ग्रेटर बांग्लादेश का भी नाम दिया है। तो जो है नया निजाम, उन्होंने ही कर रखा है हिंदुओं की हत्या का इंतजाम। बांग्लादेश की हालत शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भी बिल्कुल नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफा लिया जा चुका है, सेंट्रल बैंक के चीफ पद से त्याग पत्र दे चुके हैं और मुल्क में उन्माद की आंधी बह रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का लहू का कतरा कतरा बह रहा है। दिखावे के लिए कैमरे पर मंत्री और संतरी अल्पसंख्यकों को बचाने के कसीदे पढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले करना जघन्य अपराध है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की रक्षा करना देश के युवा वर्ग का फर्ज है। छात्रों ने इस देश को बचाया है, क्या वो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकते? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमें साथ मिलकर रहना होगा। शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने वाले चेहरों में मोहम्मद यूनुस का नाम टॉप में शुमार है। कहा जा रहा है कि यूनुस अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का ऑर्डर फॉलो करने के लिए सत्तासीन हुए हैं। इस बात की पुख्तगी इसमें दिखती है कि सरकार के हाथ खुले हुए हैं, लेकिन हिंदुओं की मौत रुक नहीं रही है, बेमौत मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू और अल्पसंख्यकों पर सबसे भीषण हमले किए गए हैं। हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप तक किए गए हैं और अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव, गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही, मैमनसिंह, रंगपुर, बरिसाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज में जमकर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या या उन पर अत्याचार के मामले नए नहीं है, इसके पहले भी इस देश में हिंदुओं के खून की होली खेली गई। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब जब बांग्लादेश में व्यवस्था का गला घोटा जाता है, अराजकता फैलती है, उसका टारगेट हिंदू अल्पसंख्यक ही क्यों होते हैं? बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95% यानी 1.35 करोड़ है। ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना में 20 लाख, सिलहट में 13 लाख, चटगांव में 20 लाख, बारिसाल में 7 लाख, राजशाही में 10 लाख, मैमनसिंह में 4 लाख। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, यही वजह है कि वो निशाने पर है। बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन, फिनलैंड, अमेरिका, UN के दफ्तर के बाहर इन प्रदर्शनों का बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर असर बस इतना दिख रहा है कि हुकूमत संभालने वाले अमन अमन बोलने भर लगे हैं। जमीन पर उनकी अपील हिंदुओं की तरह बेमौत मारी जा रही है, क्योंकि मंशा हिंदुओं को बचाना नहीं दिख रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं ने 8 मांगे रखी है। पहला, अल्पसंख्यकों पर हमले का स्पीड ट्रायल। दूसरा, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बने। तीसरा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया जाए। चौथा, हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन का दर्जा मिले। पांचवा, प्रॉपर्टी से जुड़े कानून सख्ती से लागू हो। छठा, शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष हो। सातवां, संस्कृत और पाली एजुकेशन बोर्ड को मॉडर्न बनाया जाए। आठवां, दुर्गा पूजा पर 5 दिन की छुट्टी का प्रावधान हो। इस मांग पर अंतरिम सरकार या आने वाली सरकार कितना गौर करेगी, जब आलम यह है कि इस वक्त बांग्लादेश में वो शक्तियां ताकतवर होकर उभरी हैं, जिनका एजेंडा बांग्लिस्तान बनाना है। कट्टरवादी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश और हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश ने बांग्लिस्तान का प्लान बनाया है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और म्यांमार शरिया कानून राज्य स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया में मैसेज फैलाए जा रहे हैं। इस बाबत खुफिया एजेंसियों को अहम इनपुट मिला है। बांग्लिस्तान के इस एजेंडे को ग्रेटर बांग्लादेश का नाम दिया गया है और अफगानिस्तान तालिबान की तर्ज पर बांग्ला रीजन में पूर्णतः इस्लामी शरिया गणराज्य स्थापित करना इसका मकसद है। इस एजेंडे से कट्टरवादी संगठनों का भारत विरोधी और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा भी पूरा हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इन दोनों संगठनों ने बड़ी तादाद में बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा को अंजाम दिया है। बांग्लादेश में कट्टरता अपने चरम पर पहुंच रही है और बड़ी बात यह है कि एक दिन में नहीं बल्कि वर्षों से साजिश स्थापित की जा रही है। इसके पीछे पाकिस्तान के कट्टर संगठनों का हाथ है।
जिनसे इनकी फंडिंग होती रही है, और अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जो शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रचता रहा। सेंट मार्टिन द्वीप ने करा दिया तख्तापलट। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना ने तो तख्तापलट के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना का एक बयान वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, जिसके मुताबिक अगर शेख हसीना अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने पर राजी हो जाती तो ये सब नहीं होता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।